हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। इस सेशन में हम मीनिंग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, देन क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है ये मार्केट और कितने तरह की ये मार्केट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज किसको कहा जाता है। सो फॉरेन एक्सचेंज इज़ डिफाइंड एज द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। जैसे इंडिया के लिए जो US डॉलर है, जो अमेरिका की करेंसी है, वो फॉरेन एक्सचेंज है। इसी तरह से अमेरिका के लिए जो इंडियन रुपी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। इसके अलावा फॉरेन चेक्स, फॉरेन ड्राफ्ट जो है वो भी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आते हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको कि फॉरेक्स, एफएक्स और करेंसी मार्केट कहा जाता है, इज़ एन ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस। ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस से मतलब है कि जहाँ पे करेंसीज की डीलिंग वाया नेटवर्क ऑफ बैंक्स होती है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ एन ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस दैट डिटरमिन्स द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी का रेट होता है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, वो भी डिटर्मिन किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग होती है बैंक्स के थ्रू, और जहाँ पे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमिन किया जाता है। सो इस तरह से यहाँ पे तीन चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि फॉरेन एक्सचेंज किसको कहा जाता है, किसी दूसरे देश की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी कंट्री की करेंसी का जो रेट होता है, जो उसका प्राइस होता है, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो US डॉलर है, उसका एक्सचेंज रेट जो है वो 80 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि अगर आपको डॉलर लेना है तो आपको 80 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो US डॉलर का जो प्राइस है, जो एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी में, वो 80 रुपीज़ है। एंड थर्ड इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है वो जो बैंक्स होते हैं किसी कंट्री के, ऑथराइज्ड जो बैंक होते हैं कंट्री के, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। सो द मेन प्लेयर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर सेंट्रल बैंक, ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, टूरिस्ट एंड इमिग्रेंट्स। These main players of the market make the structure of the foreign exchange market. So as the figure show, at the bottom of the foreign exchange market are the actual buyers and sellers of the foreen currencies. तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे बॉटम में टूरिस्ट है, देन एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। ये जो होते हैं ये एक्चुअल यूजर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। जैसे टूरिस्ट है तो उनको बाहर जाने के लिए, किसी फॉरेन करेंसी कंट्री में जाने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। इसके अलावा जो ट्रेडर्स है, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, उनको फॉरेन करेंसी चाहिए ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो किसी दूसरे देश की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। सो दीज आर द एक्चुअल यूज़र ऑफ द फॉरेन करेंसी। और जब इनको करेंसी चाहिए होती है तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं कंट्री के, उनको अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स मेक द सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज प्ले द रोल ऑफ मार्केट मेकर्स इन द सेंस दैट दे कोट द डेली एक्सचेंज रेट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसीज। जो बैंक्स होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के जो डेली प्राइसेस होते हैं उसको कोट करते हैं। कोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द मार्केट। एंड दे ऑल्सो वर्क एज द क्लियरिंग हाउसेज। दे हेल्प इन वाइपिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। दे बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम ब्रोकर्स एंड सेल टू द बायर्स। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। सो फॉरेन एक्सचेंज जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ऑथोराइज ब्रोकर्स होते हैं, जिनको RBI ने ऑथोराइज किया होता है, दे वर्क एज ए लिंक बिटवीन द बायर सेलर्स एंड कमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो बिटवीन द बैंक्स। दे themselves डू नॉट बाय और सेल द फॉरेन करेंसी। दे ओनली स्ट्राइक द डील बिटवीन द बायर सेलर्स एंड कमर्शियल बैंक्स ऑन ए कमीशन बेसिस। ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये कमीशन बेसिस पे बायर सेलर्स के बीच में और बैंकर्स के बीच में जो ट्रेडिंग करवाते हैं। नेक्स्ट
is central banks. Central bank of the different countries are the apex body in the organization of foreign exchange market. Countries के जो central banks होते हैं वो apex body होता है foreign exchange market में. अगर हम India के example लें तो RBI जो central bank है India का, वो foreign exchange market का की apex body है. They work as the custodian of the foreign exchange of the country and lenders of the last resort. They have the power to control and regulate the foreign exchange market with a view to make sure that the foreign market works in an orderly manner. So, जो central banks होते हैं ये foreign exchange market को regulate करते हैं, control करते हैं to ensure कि जो भी work हो रहा है foreign exchange market में वो orderly manner में हो. One of their main function is to prevent the violent fluctuations in the exchange rate if necessary by direct intervention. The main form of intervention is to sell a foreign currency when it gets overvalued and buy it when it tends to be undervalued. So, ये जो central bank होते हैं, ये intervene कर सकते हैं जब उनको लगता है कि currency की जो currency में जो fluctuations है वो काफ़ी है, तो उस case में ये currency को sell करके या currency को buy करके उनको उनकी value, उनकी जो fluctuations है उनको ठीक करते हैं, करेंसी को स्टेबल करते हैं मार्केट में. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नेक्स्ट है मेजर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेंटर्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे. डेली ट्रांजेक्शन एंड डेली ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 7 trillion US डॉलर. तो इसकी डेली ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी इसकी ट्रांजेक्शन होती है वो आज के टाइम पे 7 trillion US डॉलर रोज़ की होती है. मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज हैव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेंटर. लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, ज्यूरिक, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर आर सम फेमस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेंटर्स फॉर द US डॉलर. दीज सेंटर्स आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर बाय टेली कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दे वर्क 24 आवर्स. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब हम पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र फंक्शन. सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स और ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट. बेसिकली इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर वेयर इन द रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ टू ट्रांसफ़र द परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फॉर एग्ज़ाम्पल If the trader of India import goods from the USA and the payment is to be made in dollars, then the conversion of the rupee to the dollar will be facilitated by the foreign exchange market. The transfer function is performed through a use of credit instruments such as bank draft, bills of exchange, telephone, telex transfers, etc. Next hai credit function. Foreign exchange market provides short-term credit to importers as to facilitate the smooth flow of goods and services from country to country. An importer can use credit to finance the foreign purchases. For example, an Indian company wants to purchase the machinery from the USA can pay for the purchase by issuing a bill of exchange in the foreign exchange market, essentially with a 3 month maturity. तो foreign exchange market में जो traders होते हैं उनको credit facility भी provide की जाती है. तो minimum 3 month की जो credit facility है वो provide की जाती है through the issuing of bills of exchange etc. Next जो function है foreign exchange market का वो है hedging function. So the third function of foreign exchange market is to hedge foreign exchange risk. Hedge foreign exchange risk के मतलब है कि जो करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण जो रिस्क अराइज होता है उसको कम करना, उसको मिनिमाइज करना. द पार्टीज टू द फॉरेन एक्सचेंज आर ऑफन अफ्रेड ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट्स, दैट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. द चेंज इन द एक्सचेंज रेट मे रिजल्ट इन अ गेन और लॉस टू द पार्टी कंसर्न. सो जो पार्टीज होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो बायर्स एंड सेलर्स फॉरेन करेंसी बाय या सेल करते हैं, तो उनको जो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण जो रिस्क ऑफ लॉस होता है हमेशा उसका डर बना रहता है. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उनको हेजिंग फंक्शन भी
प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए उनके पास डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन स्वैप्स, तो इनके थ्रू जो रिस्क होता है करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण रिस्क जो अराइज होते हैं उसको कम किया जाता है. सो दीज आर द थ्री फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. सो द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू स्पॉट फॉरेक्स मार्केट, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप मार्केट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पॉट फॉरेक्स मार्केट जो है वो क्या होती है. द स्पॉट मार्केट इज द इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एट द करंट एक्सचेंज रेट. द स्पॉट मार्केट मेक्स अप मच ऑफ द करेंसी ट्रेडिंग. So when the buyers and sellers of currency settle their transaction within 2 days of the deal, it is called spot transaction. The spot sale and purchase of foreign exchange makes the spot market. The rate at which foreign currency is bought and sold in the spot market is called the spot exchange rate. Currencies ki immediate buying and selling jo hoti hai, उसे स्पॉट मार्केट कहा जाता है. जिस रेट पर ये करेंसी का एक्सचेंज होता है उसे स्पॉट रेट कहा जाता है. इस तरह से स्पॉट मार्केट में स्पॉट रेट पर जो ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें स्पॉट ट्रांजैक्शन कहा जाता है. ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में मिनिमम 2 दिन का टाइम जो है वो लगता है. इसका मतलब है कि किसी भी कस्टमर के अकाउंट में जब करेंसी आती है तो मिनिमम 2 दिन का जो है टाइम जो होता है करेंसी सेटलमेंट में, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में होता है स्पॉट मार्केट में. नेक्स्ट जो मार्केट है वो है फॉरवर्ड फॉरेक्स मार्केट. द फॉरवर्ड मार्केट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस इन विच एक्सचेंज टेक प्लेस एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस. इन अदर वर्ड्स द फॉरवर्ड करेंसी मार्केट एंटेल्स मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टूडे टू परचेज और सेल फॉरन करेंसी इन द फ्यूचर. फॉरवर्ड rates are similar to spot rates except the delivery takes place much later. So forward market mein currency ki delivery future mein kisi ek specific din mein hogi. Kis rate par ye exchange hoga wo bhi pehle hi decide kar liya jata hai. Forward market deals in over the counter forward contracts. They help in hedging currency risk, that is the risk of changing value of currency assets due to fluctuation in currency exchange rate. Forward market mein jo risk of loss hota hai उससे भी प्रोटेक्ट करता है. जो प्रोबेबल रिस्क जो बायर्स एंड सेलर्स को हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, उससे फॉरवर्ड मार्केट जो है वो बायर्स एंड सेलर को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट. फ्यूचर मार्केट्स आर सिमिलर टू फॉरवर्ड मार्केट इन टर्म्स ऑफ बेसिक फंक्शन. हाउएवर द बिग डिफरेंस इज दैट फ्यूचर मार्केट यूज सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस. फ्यूचर मार्केट में भी फॉरवर्ड मार्केट की तरह ही पहले से ही डीलिंग हो जाती है कि किस रेट पे जो है डिलीवरी फ्यूचर में की जाएगी. बट फॉरेन मार्केट और फ्यूचर मार्केट में डिफरेंस ये है कि फ्यूचर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, जो करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो थ्रू एक्सचेंज होती है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होती है. थैंक्स टू सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस देयर आर नो काउंटर पार्टी रिस्क फॉर ईदर पार्टी. दिस हेल्प्स इंश्योर फ्यूचर मार्केट्स आर हाईली लिक्विड स्पेशली कंपेयर टू फॉरवर्ड मार्केट्स. करेंसी फ्यूचर्स ऑफ FX futures or currency derivatives are available on the NSE on Indian rupee and 4 currencies, that is US dollar, euro, Japanese yen and Great Britain pound. So Indian India mein jo NSE hai usme jo ye forex future forex market ka jo की जो फैसिलिटी है वो इंडियन रुपीज़ के अलावा 4 अदर करेंसी में होती है. ये है US डॉलर, यूरो, जैपनीज येन एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. तो इन 4 करेंसी में जो है ये फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट अवेलेबल है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में क्या डिफरेंस है. सो इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी इज़ कंपल्सरी बट नॉट इन फ्यूचर्स. इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स द अमाउंट and maturity period are flexible, but in future it is organized trading in the exchange with standard contracts, standard maturity dates, and contract trading is regulated by the authorities. Forward contracts are traded over the counters like through Telex or Telegram, but in future jo trading hoti hai wo through the stock exchange hoti hai. Next hai option market. Ab hum dekhte hain ki option market kya hoti hai. अ करेंसी ऑप्शन जिसको कि फॉरेक्स ऑप्शन भी कहा जाता है इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन
टू बाय और सेल अ सर्टन करेंसी एट ए स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट. फॉर दिस राइट अ प्रीमियम इज पेड टू द सेलर. सो ऑप्शन मार्केट में जो बायर ऑफ द ऑप्शन होता है किसी फ्यूचर डेट पे करेंसी को बाय एंड सेल कर सकता है, बट ये उसका राइट है, उस पर इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो अपनी जो डील है उसको फुलफिल करेगा. इसके लिए वो जो सेलर है उसको प्रीमियम पे करता है. इस ऑप्शन को लेने के लिए वो सेलर ऑफ द ऑप्शन को प्रीमियम पे करता है. करेंसी ऑप्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे फॉर कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू हेज अगेंस्ट द एडवर्स मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट है स्वैप मार्केट्स. स्वैप्स आर अरेंजमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन डिफरेंट करेंसीज ओनली टू बी री एक्सचेंज एट स्पेसिफिक लेटर डेट. स्वैप्स आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन डिफरेंट करेंसीज ओनली टू बी री एक्सचेंज एट अ स्पेसिफिक लेटर डेट. एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द एग्रीमेंट इज फिक्स्ड. सो दीज आर द डिफरेंट फॉरन एक्सचेंज मार्केट. सो लर्नर, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई होप दिस सेशन क्लियर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग द फॉरन एक्सचेंज मार्केट. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.